पता नहीं चल रहा है बट इज रियली स्कैरी। अगर नीचे देखो तो लाइक दिस और Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. Yes, आप लोग ने जो सीन देखा उसमें भी पहुंचेंगे उसमें ही पहुंचने के लिए तो वीडियो शुरू किया है, तो उसमें पहुंचेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि नाउ द टाइम इज 8:31 इन द मॉर्निंग। टिकट प्लेन था सुबह के 7 बजे का और मैं ऑलरेडी 1.5 आवर लेट हो चुका हूँ क्योंकि आपका भाई काफी आलसी है। और अभी आपको ज्यादा बोर नहीं करते हुए हम लोग अपना राइड शुरू करते हैं, बिकॉज असली बातें होंगे वहां पहुंच के, तो आप लोग जर्नी का मजा लो तब तक। Now the place I am going, it's like 87 kilometers away from Guwahati. So हर रोज तो घर का निकलने का सीन देख ही लेते हो, तो आज वीडियो का शुरुआत कर रहा हूँ हाईवे से। तो हाईवे में चलो अभी चलाते हैं बाइक को। Now the thing is that after coming out of Dipotville, you have to travel to like 27 kilometers to a place called Soygaon. Where my demons dwell, my only tonight. Soygaon पहुंचने के बाद, I have to take a left turn opposite of Gold Digital Cinema, जहां से मुझे चलाना पड़ेगा कंट्री रोड्स पे ऑलमोस्ट लाइक फॉर 27 किलोमीटर्स एंड देन आई विल रीच द प्लेस कॉल्ड उखियम। समथिंग एल्स या आई गेस आई हैड माय बैड डेज बट इट डजंट मीन आई लॉस्ट माय स्टार्टिंग वेयर वर यू व्हेन माय हार्ट वाज ऑन द ग्राउंड आई टुक टाइम वुड प्रूव दैट यू वुड स्टिक अराउंड आई गेस टाइम स्टार्ट्स So friends, आपने जो सुबह जो सीन देखा था वो सीन आप लोग देखने वाले हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ, because I have reached to Ukiam, 87 kilometers away from Guwahati city. Video है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है friends. Friends, यहाँ पे बहुत ही अच्छे सीन्स हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर जगह है और ये बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है। एंड आज मेरे साथ मेरे जर्नी पे आई हैव मिस पूजा। बहुत दिनों के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर इन ए राइड। बहुत दिनों से राइड नहीं हुआ था बिकॉज आई वॉज शी वॉज बिजी विथ हर स्टफ एंड आई वॉज बिजी विथ माई स्टफ। लाइक मैं तो राइड वाइड पे आते रहता हूँ, वो बहुत सारे काम करती है तो हो नहीं पाता। कुछ काम नहीं करती इसका मतलब। मैं तो बेकार इंसान हूँ, बस चल रहा है और कट रहा है अपना जिंदगी। थिंग इज लाइक दैट कि यहाँ पे नाव भी है और देखते हैं मजा आएगा। रिवर तो बहुत ही सुंदर है तो नाव में घूमने का कितना, लेट्स सी दैट। अभी जो है मैं हूँ बोट पे और पूजा जी भी यहाँ पे ही है, उनका बैग थोड़ा सा गिर गया था बट अब पूजा जी के मुँह से सुन लो उनका एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा लग रहा है बोट पे। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डर लगता है मुझे पानी से नॉर्मली। मज़ा आ रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज छोटू राम पीछे बोट चला रहा है और काफ़ी बॉडी दिखा रहा है और सीन्स कुछ ऐसे हैं मेरे पीछे। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बोट राइड करके, आपको कैसा लगा? अच्छा बोट राइड अच्छा लगा। आपके चेहरे पे खुशी से ज्यादा डर क्यों दिख रहा है? हाँ क्या आप डर गए? क्या बोट राइड देख के डर गए? नहीं डरे, फिर भी आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपको ही डर लगा है ना? मुझे डर नहीं लगा, मैं कभी नहीं डरता। आई एम राइड विद रिपुन, आई एम राइड विद रिपुन, नाम तो सुना ही होगा। हम लोग आगे उतना नहीं जा पाए बिकॉज पूजा ने पहना है हिल और हिल की वजह से नहीं जा पाते। खोलूंगी ना, पत्थर है, बहुत पत्थर है। फ्रेंड्स यहाँ पे आने से फिर से ट्रैकिंग शूज लाइक बोगामटी ट्रैकिंग शूज। दीपोलवीर में मैं आपको पानी के नीचे नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पे पानी काफी साफ है तो मैं यहाँ पे आपको पानी के नीचे दिखाता हूँ। अभी जो बात है अभी ये है कि पूजा जी जाएंगे फोटोज वगैरह खींचने के लिए, आप भी जो है हम लोग जाएंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ, मतलब पानी के ऊपर। गिर जाओगे तो कोई बात नहीं, गिर जाओ फोटोज तो आ जाएगा अच्छा वाला। तो अच्छा वाला फोटोज खींचने के लिए अभी हम लोग चलते हैं, तब तक आप लोग एक टाइम लैप्स देखो। पता
अभी जो है फ्रेंड्स मैंने कर लिया चेंज, बिकॉज मैं कर रहा था फोटोशूट, तो फोटोशूट भी हो गया है और पूजा जी वहाँ पे खड़े हैं क्या लेके कैमरा लेके मेरा फोटोशूट किया है, अच्छे वाले फोटोज जो है। तो फॉलो माई इंस्टाग्राम आईडी, दैट इज दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। बाकी दिखाता हूँ, ब्रिज तो दिखाना बाकी रह गया, चलिए ब्रिज दिखा दो, जो सीन से मैंने शुरू किया था वो सीन तो दिखाना बाकी है ना अभी तो। सो फ्रेंड्स यू कैन सी ए बैम्बू ब्रिज बिहाइंड माई बैक, दैट इज द ओनली कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन आसाम एंड मेघालय, बिकॉज दैट पार्ट इज मेघालय एंड दिस पार्ट इज आसाम। सो ब्रिज जो है, ब्रिज का हालत काफी खराब है। सो फ्रेंड्स राइट नाउ आई एम इन द ब्रिज और यहाँ पे से नजारा कुछ ऐसा है मेरे पीछे, थोड़ा और आगे चलता हूँ। सो ब्रिज काफी डरावना है, मिड पॉइंट पे पहुंचा, अभी पानी के ऊपर चल रहा हूँ, तो ये ब्रिज पार करते हुए आई विल रीच आई थिंक मेघालय। तो अभी जो है आई एम इन द मिड पॉइंट जो है, इट्स लाइक दिस, अगर यहाँ से गिरे तो डायरेक्टली हड्डी टूटेगा और कुछ नहीं होगा, बिकॉज पानी भी बहुत ही कम है। आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा है बट इट्स रियली स्केरी, अगर नीचे देखो तो लाइक दिस और पैर मेरा ऐसा। तो अभी जो है रिटर्न चलता हूँ। गिफ्टेड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड, सो मैंने इसको रखा था संभाल के, बिकॉज मैंने सोचा था कि कभी अच्छा जगह पे जाऊँ तभी बांधूंगा, क्योंकि दिस इज स्पेशल, सो स्पेशली स्पेशल जगह पे रुक के बांध रहा हूँ। सर ही मिला था, मैं भूल जाता हूँ ना कभी कभी। ये बोलो ना भूल जाते हो, आज याद था? नहीं आज याद नहीं था, आज लेके आया था, मैं एकदम प्रिपेयर था आज के, आज मैं बांधूंगा। अच्छा यहाँ पे आके भी भूल गया था, मैं याद दिलाई, कोई बात नहीं, एकदम छूटे को बांधते लोग पहाड़ों में जाके, बट मैंने सोचा कि हम लोग जब पहाड़ों में जाएंगे तो मैं इसको वहां पे छोड़ के आऊंगा, ये अपुन का स्टाइल है। उसके बाद क्या, उसके बाद बारिश हो गई, इंद्रदेव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो आने का जो जर्नी है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और बात करता हूं अभी इसी वक्त तुरंत। उसके बाद मैं वापस आ गया, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी बारिश वगैरह हो गया था, सो आई मस्ट टेल यू दैट उकेम इज़ अ गुड प्लेस, और जो रोड्स थे ना, रोड कंडीशंस आर क्वाइट गुड। कुछ साल आगे तक ये विलेज जो था ये पूरा कट ऑफ हो चुका था आसाम से बिकॉज रोड्स के वजह से, बट अभी रोड्स अच्छे हैं, आप लोग जा सकते हो पिकनिक वगैरह के लिए, काफ़ी अच्छा है। तो आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अभी जो है आपका भाई हफ्ते में 3 बार आ रहा है, तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। And with that said, friends, just like I always say, live young, live free, and boom. It is. कुछ है? Next video में दिखाऊंगा. Next video में आना. ठीक है? तब तक के लिए चलता हूँ. Bye.